हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। तो जैसा कि मैंने जो अपना लास्ट वाला व्लॉग था उसमें मैं आप लोगों को कुछ बताना चाह रही थी, क्योंकि जिस दिन मैं हम लोग लंडू को मेट्रो से लेके गए थे, चारबाग खम्मन पीर लेके गए थे मज़ार, उस दिन हम लोगों के साथ ना बहुत बड़ा हादसा होते होते बच गया। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि हम लोगों ने ध्यान दे दिया था। अगर ध्यान नहीं देते तो शायद उस दिन कुछ बहुत बड़ा हादसा हो जाता हम लोगों के साथ। तो एक्चुअली ये हुआ था, अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वाला व्लॉग देखा है तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जब मैं लोग हम लोग चारबाग के अंदर एंट्री कर दिए थे तो उसके बाद ना हम लोग के पीछे कोई एक आदमी था जो कि लग गया था, और पता नहीं क्या उसने देखा, क्योंकि हम लोग ने ऐसे नोटिस किया एक्चुअली कि जब हम लोग जा रहे थे तो उसके बाद वो खड़ा था कहीं और अलग, दो चार लोग खड़े थे वहाँ पर वो खड़ा था, लेकिन जैसे हम लोगों को उसने देखा तो शायद हाथ में मोबाइल था, पर्स भी था इसकी वजह से, या साथ में छोटी बच्ची थी, क्या थे हम लोगों को समझ नहीं आया, या फिर हम लोगों को देखा था कि बस ये दो लोग अकेले ही हैं और साथ में एक छोटा बच्चा, उसकी वजह से पीछे किसी भी रीज़न की वजह से वो लगा हो पीछे, बट वो हम लोग के पीछे लग गया था। तो ये हुआ था कि जैसे ही हम लोग साथ जा रहे थे तो वो भी हम लोग के साथ साथ चलने लगा। फिर उसके बाद ये हुआ कि जब हम लोग के साथ साथ चल रहा था तो मुझे ये लगा कि शायद हमारे साथ कोई लग गया है, तो मैंने अंकिता से बोला भी, अंकिता देखो शायद ये हम लोग के साथ साथ चल रहा है। तो उसने कहा नहीं चाची। मैंने कहा अच्छा चलो एक काम करते हैं, रुक जाते हैं थोड़ा सा। तो जैसे वो हम लोग के साथ चल रहा था तो हम लोग ने अपना रास्ता चेंज कर लिया, मतलब हम लोग एक जगह पर रुक गए। तो उसने क्या किया, वो भी थोड़ा सा आगे जाके उसने मुड़ के देखा पीछे कि हम लोग नहीं आ रहे हैं, तो वो भी आगे और दो चार लोगों का ग्रुप खड़ा हुआ था वो वहाँ जाकर खड़ा हो गया, और वो साइड ऐसे तिरछी नज़रों से देख रहा था कि हम लोग निकले कि नहीं निकले। ठीक है, तो फिर हम लोग समझ गए थे, तभी हम लोग समझ गए कि ये हम लोग के पीछे लग गया है। तो सबसे पहले तो हम लोग ने अपना पर्स मोबाइल साथ में रखा अंदर, फिर उसके बाद लड्डू का हाथ पकड़ा और गोद में उठा लिया था उसको कि चलो उसको उठा लेते हैं, क्योंकि पैदल बहुत लंबा रास्ता है। अगर जो चारबाग खम्मन पीर गया तो वो जानते होंगे कि अंदर से कितना अंदर पैदल जाना पड़ता है, और हम लोग को रात हो चुकी थी तो शायद वो रात की वजह से थोड़ा सा और वो था। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया, पीछे घूम के देखा तो वो नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही हम लोग मज़ार के अंदर एंट्री कर रहे थे और जब हम लोग चादर चढ़ाने लगे तो देखा कि वो भी हम लोग के पीछे पीछे अंदर मस्जिद में चादर चढ़ाने आया हुआ था। तो मैंने अंकिता को तुरंत बोला, अंकिता देखो ये हम लोग के पीछे ही लगा है, वहाँ पे भी भीड़ थी तो इसकी वजह से हम लोग के पीछा नहीं कर पाया, क्योंकि जैसे भीड़ वहाँ पे इकट्ठा हो गई थी ना, तो हम लोग ने क्या किया था कि हम लोग पहले वहाँ रुकने वाले थे थोड़ी देर बैठ के, फिर बैठे नहीं, हम लोग ने जैसे देखा कि वो भीड़ में अंदर चादर चढ़ा रहा है तो हम लोग फटाफट वहाँ से निकल लिए, और हमने सबसे पहले इनको घर पे फ़ोन कर दिया था कि हम लोग यहाँ पर ऐसे ऐसे ऐसी बात हो रही है, तो हम लोग घर आ रहे। तो उन्होंने बोला भी था कि हम लेने आ जा रहे, तो मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है। तो हम लोग जैसे ही चारबाग से बाहर निकले, पहले तो ये था कि मेट्रो से आ जाए, फिर मुझे लगा कि मेट्रो का रास्ता लंबा है वो पीछे लग लेगा, फिर हम लोग मेट्रो से नहीं आए वापस में, क्योंकि इधर से जब गए थे इधर से तो मेट्रो में गए थे, उधर से हम लोग ने क्या किया, जैसे ही चारबाग से बाहर निकले हम लोग को एक रिक्शा मिल गया था, तो हम लोग ने तुरंत रिक्शा कर लिया था ताकि उसमें हम लोग को थोड़ी सेफ्टी हो गई थी। सो गाइज, अगर आप जब भी अकेले जाते हैं, अकेले ट्रैवल कर रहे हैं, हाथ में पर्स है, मोबाइल है, और स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पर लोग पीछे लग रहे थे, क्योंकि चारबाग में या फिर कोई भी रेलवे स्टेशन होता है ना, तो वहाँ पर लोग बहुत नज़र रखे रहते हैं कि कौन कैसा जा रहा है चोरी करने के लिए या कुछ भी करने के लिए। सो हम लोग तो बहुत ज़्यादा डर गए थे कि मतलब ये हम लोग के साथ क्या हो गया, क्योंकि ऐसे पहले ऐसा कभी हुआ नहीं हमारे साथ कि कोई हमारे पीछे लगा हो, लेकिन ये हम लोग की सतर्कता ही थी कि मतलब एक बार में ही मुझे समझ में आ गया कि ये हमारे पीछे लगा हुआ है। तो पहले तो मैंने सोचा था कि अगर ये कोई भी हरकत करेगा ना तो मैं तुरंत चिल्ला दूंगी, या यहाँ पर जितने भी आसपास लोग हैं इकट्ठा हैं, क्योंकि वैसे चारबाग पे भीड़ रहती है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सन्नाटा रहता है, चारबाग जो जाते हैं खम्भन पीर वाले रास्ता वहाँ पर भी लोग बैठे रहते हैं, वो उसका ही फायदा उठा रहा था, सोच रहा होगा ना कि हम लोग कुछ दूसरे रास्ते से जाएंगे या पुल वाला एक रास्ता है वो उससे जाएंगे तो वो कुछ कर लेगा, लेकिन उसको ऐसा करने का कुछ मौका मिला नहीं। थैंक गॉड हम लोग सेफली घर पहुँच गए। तो बस यही आप लोगों को बात बतानी थी। हाँ, और अगर आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करिए। तो गाइज, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको सिर्फ इतना सा करना है कि नीचे रेड कलर का जो सब्सक्राइब का बटन है उसे प्रेस करिए, उसके बगल में जो बेल आइकन बन कर आएगी उसे प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे जब भी मैं अपने कोई भी ब्लॉग्स वीडियोज़ या कुछ भी अपना नया अपलोड करूँगी ना उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाया करेगी। सो गाइज, आप प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिए, और मेरे ब्लॉग्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।
तो और इसके आगे का जो व्लॉग है ना वो अब आपको पूरा दिवाली का सेलिब्रेशन देखने को मिलेगा, क्योंकि उस दिन के बाद मैंने जो व्लॉग है वो मेरा 3 दिन का है, धनतेरस का है और छोटी दिवाली नहीं, धनतेरस, छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, मतलब सारा दिवाली का जो भी व्लॉग है वो सब एक में ही व्लॉग आपको मिल रहा है। तो इसके आगे सारा व्लॉग जो होगा वो दिवाली सेलिब्रेशन का होगा। सो आप सबको हैप्पी दिवाली, एंड पूरा व्लॉग देखिएगा ज़रूर, आप लोगों को व्लॉग पसंद आएगा। सो गाइज, आज है धनतेरस, तो धनतेरस की शॉपिंग करने के लिए हम लोग निकले हुए हैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं था। जो एक डिनर सेट था ना वो तो हम लोग पहले ही ले चुके थे, तो अभी बस ये था कि धनतेरस पे कुछ लेना है तो उसको ही लेने के लिए हम लोग। तो गाइज, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में कितनी ही ज़्यादा भीड़ है, फिर भी हम लोग बहुत लेट निकले थे। ये भी इस समय रात के 9:30 बज रहा था तब हम लोग निकले थे लेने के लिए, फिर भी मार्केट में अच्छी खासी भीड़ थी। तो वैसे तो कुछ खास नहीं लेना था हम लोगों को धनतेरस पे, मतलब कि कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं लेनी थी, बस एक शगुन करना था। तो शगुन के लिए फिर सबसे पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर एक चांदी का सिक्का लिया था, जो कि हम लोग हर साल लेते हैं, और वो चांदी का सिक्का लिया क्योंकि, और नोट भी दिखा रहे थे लेकिन हम लोगों को नोट नहीं पसंद था, हम लोगों सिर्फ चांदी का सिक्का था बस वही ले लिया। और फिर उसके बाद हम लोग निकले थे मार्केट में दोबारा, मतलब पहले गए थे बर्तन वर्तन लेने के लिए लेकिन भीड़ इतनी ज़्यादा थी, तो ये सोचा कि पहले जो लेने आए वो ले लेते, उसको लेने के बाद फिर हम लोग ये लेने आए थे। यहाँ पर मैंने सिर्फ चम्मच का जो सेट होता है ना वो चम्मच का सेट लिया है, बस 6 चम्मच का, और धनतेरस पर कुछ नहीं, बस एक चांदी का सिक्का और ये 6 चम्मच का सेट। करो, हाँ यहाँ तो भीड़ है ही है, मेन वो पड़ जा रही ना मार्केट बीच की एकदम। अभी रात के बज रहे हैं 11 बज रहे हैं और हम लोग अमीनाबाद की मार्केट आए हुए हैं मार्केट करने के लिए। थोड़ी बहुत तो मार्केट बंद हो गई है लेकिन जो बाहर की मार्केट है वो सारी मार्केट खुली हुई है। तो हम लोगों का पहले ये प्लानिंग थी कि हम लोग कल खरीदेंगे गणेश लक्ष्मी जी जो भी सब कुछ है, लेकिन फिर आज ही धनतेरस के दिन ही हम लोग आ गए। पहले हम लोग धनतेरस की मार्केट करने गए थे, जो सामान लेना था वो ले लिया था, और फिर अभी उसके बाद हम लोग अमीनाबाद आ गए हैं। तो ये सोच रहे थे कि आज जो भी मार्केट का काम है वो ख़त्म कर लिया जाए उसके बाद, ताकि कल के लिए कोई भी शॉपिंग ना रह जाए। तो बस अभी हम लोग ने वही शॉपिंग कर रहे हैं, कर क्या रहे हैं, मतलब सारा सामान ले लिया, बस पैक करवा रहे हैं उसको। तो ये वो सारा सामान है जो पैक करवा लिया है। भाभी हाय बोल दो मेरे ब्लॉग में। ये भाभी है जिनकी शॉप लगी है, जिनकी शॉप से हम लोग सामान लेने आए हुए हैं। तो मतलब पिछले साल से भाई भाभी शॉप लगवा रही है, इनके हस्बैंड जो है ना छोटू भैया, अभी आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो बस उन्हीं की शॉप से हम लोग लेने आए। और ये अभी हम लोग के लिए रात में 11 बजे ब्रेड पकौड़े लेके आई है खाने के लिए। और ये है उनकी छोटी बेटी, नाम क्या है इसका भाभी? किंजल, किंजल नाम है इसका। आप लोग देख रहे हो ना कि ये पूरा जो मैदान है ये पूरा इस बार खाली है, हर बार यहाँ पूरे मैदान में दुकानें लगती हैं पटाखों की, इस बार कुछ भी नहीं लगी, जो बहुत थोड़ी बहुत लगी क्योंकि पटाखों पर, मतलब नॉइज़ पोल्यूशन वाले जितने भी पटाखे हैं ना वो सारे पटाखों पर बैन हो गया है। तो जितने भी ग्रीन पटाखे हैं, मतलब जिनमें शोर नहीं होगा, बस वो वही वाले पटाखे लेने जा रहे हैं हम लोग। लग दो।
बाहर से कौन से लोग हैं? कौन सा लोगे लड्डू? कौन सा लोगे? सब लोगे लड्डू। तबीयत खराब हो गई बुखार दिवाली वाले दिन। तो यहाँ पे आज हो रही है पूजा की मंदिर। अपनी तबीयत भी बता दो क्या हो गया तुमको। मेरी यहाँ तबीयत खराब है इसलिए आज कुछ बोला नहीं जाएगा। और यहाँ लट्टू गोदी में बैठ के क्या कर रही है? लट्टू इधर देखो क्या कर रही हो? अपनी शक्ल दिखाओ क्या कर रही हो? क्या कर रही हो दीदी? रोली कहाँ रखी? इसी में देखो वो पत वो है रोली तो उसी के अंदर है। इसी में देखो लाल कपड़ा है। ये क्या है? लाल इसी में रोली है ना। ये क्या लाई लड़की? ओम श्री ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं ॐ भूरीं यं भगवतो देवस्य धीमहि। अनार अनार दुर्गेशम की पूजा हो चुकी है और अब हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग बस पटाखे फोड़ रहे हैं। लड्डू को तो हमने तैयार कर दिया था हीरोइन ने और उन्होंने बिल्कुल भी कपड़ों का कोई भी वो नहीं किया। लहंगा वहंगा सब उतार के किनारे पर दिया। दिवाली होगी, दिवाली होगी, हम लोग की दिवाली हो रही है। तो इस बार कुछ ज़्यादा पटाखे नहीं, थोड़े बहुत ही पटाखे लेके आए हैं, बस उसी के लिए हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो ज़्यादा ब्लॉग तो नहीं होगा लेकिन जो भी होगा वीडियो में आपको पूरा दिवाली का सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेगा। सो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बोलो यार तुम लोग भी बोलो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। पटाखे बहुत पसंद है। पापा भी कह रहे अभी यही। क्या कह रहे हैं? वो अभी यही दिखने में। तुमने क्या ड्रेस पहनी थी? तुम क्या बन गई हो? हैं? लहंगा पहनो। लहंगा पहनी थी और ये लड़की ने पटाखे की दुकान खोल रखी है। देखो कितने ले आ रहे हैं? देखो कह दो छे छे है। और ये मुंह में क्या लगा रखा है काला काला? लाइनर। ये दीदी ने लगाया। सो गाइस ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए।